वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का आपका ज्योग्राफी का सिलेबस रहने वाला है आज की इस वीडियो में। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, जिसे राजनीतिक विज्ञान और इतिहास कहते हैं, उसका सिलेबस हमने करवा दिया है। अगर आपको देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो सब्जेक्ट के भी सिलेबस देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, जो बच्चे टेंथ में थे आपको याद हो तो आपके पास SST, जिसे आप सोशल साइंस कहते हैं, आपके पास थी। तो SST के ही कई पार्ट रहते हैं, जिसके अंदर आपका पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, एंड इको रहता है आपका इकोनॉमिक्स। ये चार सब्जेक्ट होते हैं आपके SST के अंदर। तो अब जब आप टेंथ से इलेवंथ में जाते तो ये अलग अलग बढ़ जाते हैं, जो पोल साइंस अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, ठीक है। इको आपकी मर्जी रहती है, इको के अलावा जो है और भी सब्जेक्ट होते हैं जो आप ले सकते हैं, तो ये आपके पास रहता है। तो ऐसे आपके सब्जेक्ट जो है बढ़ जाते हैं जब आप 11th क्लास के अंदर आते हैं, तो ठीक है। आज हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो है आपका ज्योग्राफी का, और ये सिलेबस जो रहेगा ये फाइनल एग्जाम के लिए सिलेबस है आपका। तो आपको ध्यान से समझना है सिलेबस को, और ये सिलेबस 2023 और 2024 का जो सेशन है उसके लिए है। ज्योग्राफी की दो बुक्स आप देखने होंगे, कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एक बुक का नाम है, एंड दूसरी जो बुक है सेकंड, इसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। ये दो पुस्तकें रहेंगी आपकी, किताबें रहेंगी जो आपको 11th में पढ़नी रहती है, ठीक है। न्यू सिलेबस जो है ये फाइनल एग्जाम का है। फाइनल एग्जाम मतलब यानी फरवरी मार्च में होने वाली जो आपकी परीक्षाएं होती है, जो आपके पक्के पेपर होते हैं, उसके लिए सिलेबस रहेगा। क्या क्या चीजें आपकी जो है पढ़ने हैं, आपको कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, तो आप भी हो सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप, या तो आपका कोई डाउट हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जितने बच्चे 11th क्लास के हैं वो जरूर जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल रहते हैं वो इसी ग्रुप में सेंड किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। अगर हम ज्योग्राफी को देखें, जिसे आप भूगोल कहते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये आपका है ज्योग्राफी, इसे हिंदी में कहते हैं भूगोल, क्योंकि 10th से जो बच्चे पास करके आते इंग्लिश में जल्दी समझते नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए तो, ठीक है। भूगोल है, दो बुक्स रहती है। आप पहली बुक देखेंगे जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एंड दूसरी जो बुक रहती है उसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। ये दो बुकें आपको पढ़नी होगी भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। आगे की तरफ चलते, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें तो आपकी कुछ इस तरह से बुक दिखती है इंग्लिश मीडियम में, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देखेंगे एक बुक, एंड दूसरी बुक को देखें तो इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, दूसरी बुक कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ बता देता हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर वीडियोस देख रहे हैं तो समझ पाए सिलेबस को। आगे की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक के बारे में। बुक दो टाइप की आपकी हो गई है, एक तो पुरानी वाली, ठीक है, ओल्ड, एक आपके पास होगी वो बुक जो पुरानी होगी, एक न्यू NCERT है, मतलब नई बुक है, ठीक है। आपके पास अगर ओल्ड है तो उसके बारे में बताया जाएगा, अगर आपके पास नई बुक है तो आपको दिक्कत लेने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको दिक्कत लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस वही है, मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे समझने के लिए कि क्या चैप्टर कटे हुए या कौन से टॉपिक कटे हुए। ऑलरेडी जो न्यू बुक है आपकी, न्यू NCERT अगर आपने ली है, कोशिश करें ज्यादा बच्चे कि न्यू NCERT अगर आपको मिल रही है तो वो ले, लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं ज्यादातर जो अपने भाइयों से ले ले किताबें, या अपने फ्रेंड सर्कल में जो है उनकी भाई बहनों से किताबें ले लेते, तो मैं उनकी बात करूंगा ओल्ड और जो पुरानी बुक है उनके बारे में। तो ये आपके पास बुक है, ठीक है, और ये ओल्ड है, पुरानी वाली है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर दिखाए जाएंगे आपको 16, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक से लेके चैप्टर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, चौदहवा, पंद्रहवा और सोलहवा, ये टोटल आपके 16 चैप्टर आपको पुरानी वाली जो किताब है उसमें नजर आएंगे। लेकिन आ कितना रहा है, इसमें से 2 चैप्टर कट गए, 14 चैप्टर आ रहा है। अब मैं आपको नई NCERT जो नई किताब है वो दिखाता हूँ। तो नई भी आप देखेंगे कुछ इसी तरह से, इसमें 2 चैप्टर आपके कट गए, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो है 14 चैप्टर आपको नजर आएंगे, 1 से लेकर 14 तक आपके चैप्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये न्यू NCERT है, ठीक है। आपको 2 चैप्टर इसमें कौन कौन से कट गए,
तो मैं पुराने वाले में एक बार जाके बता देता हूँ आपको दो चैप्टर कौन कौन से नहीं पढ़ने। तो एक हो गया आपका खनिज और सेल, चैप्टर नंबर 5वां, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला कट गया है। एंड आपका जो 15वां चैप्टर है पृथ्वी पर जीवन, ये आपको नहीं पढ़ने, तो दो चैप्टर इसके कट गए। इसके अलावा जो पुरानी वाली बुक जिनके पास है तो टॉपिक भी कटे हुए, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक भी चैप्टर में कटे हुए, जैसे पहला चैप्टर है तो इसमें क्या टॉपिक आपको नहीं पढ़ने वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे की तरफ चले हम, मैंने आपको बता दिया कि नई एनसीईआरटी अगर आप लेते हैं, नई बुक लेते हैं एनसीईआरटी की, ठीक है, नया सेशन का, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नई वाली में कोई पहले से चैप्टर वो हट गए, जैसे आप देखेंगे वो आपका पृथ्वी पर जीवन जो 15वां चैप्टर था वो है ही नहीं इसमें, एंड आपका खनिज और सेल वाला भी चैप्टर नहीं है। तो नई एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे की तरफ आते हम, ये सिलेबस जो आप अगर आप देख रहे हैं ये देता है सीबीएसई का, ठीक है, ये सीबीएसई देता है क्लास 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए देता है। तो यहाँ पे 11th के लिए जो दिया गया ज्योग्राफी का, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपकी एक पहली बुक है जो मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर देखेंगे जो चैप्टर थे टोटल 14 चैप्टर थे, इनको भी कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। जैसे यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे इकाई 1 एक पार्ट, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6, तो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। इन्होंने इसमें ये बताया कि इकाई 1 है तो ये कितने नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर इस इकाई 1 से आएंगे, ठीक है। इकाई 2 में अगर आप देखेंगे, यानी आपका पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे इसमें इकाई 2 में, तो 3 चैप्टर है इसके अंदर। ऐसी इकाई 3 में देखेंगे तो 5वां और 6ठा है, इकाई 4 में यहाँ पे 5 चैप्टर है, इकाई 5 देखेंगे तो 2 चैप्टर है, एंड लास्ट वाला जो है उसमें एक ही चैप्टर है। तो इन्होंने यहाँ पे सिलेबस में जो है नंबर भी बता दिए हैं, मतलब बता दिए जाते हैं कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है। तो इन्होंने यूनिट वाइज बताया हुआ कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का है। पहले यूनिट में क्या है, एक ही चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, तो ये 3 नंबर का है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर का। यूनिट 2 की तरफ आएंगे तो यूनिट 2 है, इसके अंदर 3 चैप्टर आपके आएंगे, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर नंबर देखना है, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 अगर आप देखेंगे तो ये 9 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन। यूनिट 3 की तरफ आएंगे हम, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 एंड 6 देखेंगे, ये दोनों मिला के 6 नंबर के, यानी यूनिट 3 जो है आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट जो है 3rd के बाद 4th की तरफ आएंगे, तो इसमें चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया। आगे की तरफ चले तो चैप्टर नंबर इसके अंदर 9 भी है, चैप्टर नंबर 10, 11, ये आपके चैप्टर है टोटल 5 इसके अंदर, और ये है आपके 8 नंबर के जो एग्जाम में क्वेश्चन है इससे पूछे जाएंगे। यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5 की तरफ आएंगे हम, तो इसके अंदर 12वां और 13वां चैप्टर है जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा, एंड लास्ट आपका यूनिट रहता है, इसके अंदर मैप मिला के ये सब मिला के 5 नंबर का आ जाता है। तो टोटल कुछ इस तरह से आपकी जो पहली बुक हमने डिस्कस करी, कौन सी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी ये आपकी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक, ये हमने डिस्कस कर ली। इसके अंदर आपको कौन सा चैप्टर यानी यूनिट वाइज इन्होंने बताया कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। अब आते इसमें क्या क्या जो है टॉपिक जो है कटे हुए, ठीक है, इस वाली किताब में कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों के पास ओल्ड वाली है यानी पुरानी वाली बुक है उनको ये देखने की जरूरत है, बाकी जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी किताब में दिया ही नहीं होगा, ठीक है, जो चीज कट गया वो आपकी किताब में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओल्ड वाली में तो भूगोल एक विषय के रूप में ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, यूनिट 1 के अंदर ही आपका है भूगोल एक विषय के रूप में। पेज नंबर आपको 5 और 7वां, ठीक है, 5वां और 7वां में देखेगा, भौतिक भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, ये आपके क्या है टॉपिक है, ये आपको हेडिंग लिखे हुए किताब में मिलेंगे, तो आपको नहीं पढ़ना है चीजें, नोट कर लेना आपको। नई वाली में जो नई किताब है नई एनसीईआरटी उसके अंदर आपको तो दिखेंगे ही नहीं, लेकिन जो पुरानी बुक ले रखे हैं जिन बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं ओल्ड एनसीईआरटी उसमें आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है टॉपिक पे कट मार देना, आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ऐसी दूसरे चैप्टर की तरफ आएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, तो यहाँ पे ये जो है आपका चैप्टर नंबर ये पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास देखेंगे ये वाला चैप्टर, तो पेज नंबर 16 से लेकर 18 तक आपके ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। हमारा सौर मंडल हो गया, चंद्रमा हो गया, भूवैज्ञानिक काल, माप क्रम सारणी 2.1, ठीक है, ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसके अंदर पेज नंबर 28 पे आएंगे आप, भूकंप अधिकेंद्र का पता लगाना
पता लगाना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे की तरफ आते हैं अब यूनिट थ्री। यूनिट थ्री में क्या है, खनिज और सेल है, चैप्टर नंबर पांचवा, ठीक है। ये आपको 42 से 46 पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कटा क्या है, इकाई सिक्स में देखेंगे आप पृथ्वी पर जीवन, ये पूरा चैप्टर जो है आपका कट गया है। इकाई सिक्स में पृथ्वी पर जीवन 15वां चैप्टर है, ये आपका पूरा कट गया है। तो जो जो कट गया यहाँ पे बता दिया गया है, ये टॉपिक थे जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, जैसे चैप्टर नंबर वन के अंदर टॉपिक कटे, चैप्टर नंबर टू के अंदर भी, चैप्टर नंबर थ्री एंड चैप्टर नंबर तीन तक की आपके टॉपिक कटे हैं, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर पांचवा और पंद्रवा ये दोनों पूरी तरह डिलीट हो गए। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिनके पास पुरानी है वो आप जरूर टिक लगा ले, नोट कर लेना इन चीजों को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे की तरफ आते हैं आप सेकेंड वाली किताब की तरफ, भारत भौतिक पर्यावरण इस किताब का नाम है। एंड इसके अंदर आप देखेंगे 7 चैप्टर आपको टोटल नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक से लेकर जो है यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवा, 7 चैप्टर टोटल आपको यहाँ दिख रहे हैं। और 7 चैप्टर में आप देखेंगे तो ये पुरानी है, ओल्ड वाली है। न्यू क्या है, कैसी है, तो न्यू में आपका जो है एक चैप्टर कट गया है, ये आप देखेंगे एक से लेकर आपका 6 तक ही है, 7 तक नहीं है। तो कौन सा चैप्टर कट गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका मृदा वाला, आपको निशान लगा लेना है कि मृदा वाला जो चैप्टर है आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 पुरानी किताब में दिया हुआ है, बाकी नई किताब में ये चैप्टर आपको मिलेगा ही नहीं। तो कुछ इस तरह से ये इसका सिलेबस है इस बुक का, भारत भौतिक पर्यावरण वाली का, ठीक है। इसमें 7 चैप्टर थे तो एक चैप्टर आपका कट गया है, बाकी 6 चैप्टर बचे। तो इसमें भी कौन कौन से आपको टॉपिक नहीं पढ़ने वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी सीबीएसई ने जो इस बुक के सिलेबस दिए हुए, जैसे इंडिया जो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये वाली जो इंग्लिश मीडियम में है ये, ठीक है। तो ये इस वाली बुक में क्या क्या चीजें, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो यूनिट वाइज बता रखा है। यूनिट वन में आपका पहला चैप्टर है इंडिया लोकेशन, ये वाला जो चैप्टर आप देखेंगे तो ये 5 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यूनिट टू की तरफ आएंगे तो चैप्टर नंबर 2 और 3 आप देखेंगे तो ये 13 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो है चैप्टर नंबर है, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 4 और 5 ये आपका 12 नंबर का पूछा जाएगा, एंड लास्ट वाला आपका जो मिलाकर मैप मिलाकर ये आपका टोटल 35 नंबर का ये वाला किताब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो किताब है ये 35 नंबर की रहेगी, जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया वो भी 35 की रहेगी। टोटल 70 नंबर का आपका ज्योग्राफी का पेपर आता है एंड 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल वो रहता है, तो टोटल मिला के 100 नंबर कुछ इस तरह से हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था। हाँ, इस वाली बुक में कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 11 से लेकर 15 तक, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी तो ऑलरेडी सही हो गई है, वो उसमें ये चीजें आपको मिलेगी नहीं, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चैप्टर नंबर रहेंगे। तो संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, आकृति विज्ञान, यहाँ पे टॉपिक हटाए गए कौन कौन से, हिमालय पर्वतमाला में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, 5 उपखंड भी हटा दिए गए, और उससे संबंधित जो भी आंकड़े थे जैसे 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9 ये भी हटा दिया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर दूसरे की तरफ, इस किताब की बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएंगे तो पेज नंबर 29 से लेकर 31 तक आपके टॉपिक हटा दिए गए, जिसमें पश्चिम की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां है, पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदियां है, नदी बहाव प्रवृत्ति हो गया, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जो तुलना है उसकी जो तालिका है 3.1 ये भी हटा दी गई है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में कटे हुए है। आगे की तरफ आएंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो यहाँ पे आपके पेज नंबर दिए हुए, पेज नंबर 35, 39, 41, 44, 45, 47, 51, 54, 57 ये आपके पेज नंबर है। इसमें आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए के दो वर्ग और शीर्षक, स्थिति तथा उच्चावर संबंधी कारक, वायु दाब और पवनों से जुड़े कारक हो गए, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, वर्षावाही तंत्र तथा वर्षा का वितरण, मानसून वर्षा की जो विशेषताएं है, वर्षा की परिवर्तिता, भारत के जलवायु प्रदेश संबंधित आंकड़े जो थे 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13 ये आपके पॉइंट यहाँ पे दिए हुए तालिका, और 4.1 ये हटा दिया गया है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ, प्राकृतिक वनस्पति। इसके अंदर आप पेज नंबर देखेंगे 63, 64, 66, 68 एंड 69 ये है। इसमें टॉपिक क्या है, भारत में वन आवरण, वन और जीवन,
बॉक्स में मिले जिलों से संबंधित जो भी आंकड़े वो नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी के जीव मंडल नीचे का विवरण जो है हटा दिया गया है। एंड पांचवा जो चैप्टर यहाँ पे देवाय मृदा, ये आपका पूरी तरह जैसा मैंने आपको बताया कट गया है, पूरा चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। एंड आगे जो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, इसमें भी कुछ चीजें डिलीट है, जिसमें पेज नंबर 83, 88 एंड 89 की तरफ आएंगे जब आप, तो तालिका 7.1 और 7.2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना हटाई गई है, बाकी लास्ट में परिशिष्ट रहता है तो ये पूरा का पूरा ही डिलीट कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास पुरानी किताबें है उन्हीं को इतना देखने की जरूरत है, बाकी नई एनसीईआरटी आप लेते हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आपको ये चीजें मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था पूरा ज्योग्राफी का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी का सिलेबस। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का भी कर लिया है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख पाएंगे। और कमेंट करके बताइए कि अगला सिलेबस आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। ये था आज का वीडियो, और कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है krishnasahani08। एंड टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन हो जाना आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं क्लास 11th 1 2 3 4, जो 11th के लिए, सिर्फ 11th क्लास के लिए है। ठीक है, तो आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर जो भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल रहते हैं वो सेंड कर दिए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए करे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगला सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, ये था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।